नमस्कार, मैं बीके दीक्षित आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के क्लास 11th के क्लास में जो वीडियो में क्लास में जो है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फोटोसिंथेसिस का पार्ट 3, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे आपके सामने अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो का समरी यानी ब्रीफ नोट भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एक अपील है, उसके बाद से मैं अपने कंटेंट पर यानी मूल उद्देश्य के ऊपर चलाऊंगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने कमेंट और सुझावों से हमें ज़रूर अवगत कराएं ताकि हम इसकी क्वालिटी को और आपके लिए बेहतर बना सकें। तो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट। क्या है, क्या पढ़ना है हम लोगों को? पहले, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले पहले फेज में हिस्ट्री पढ़ा था। हिस्ट्री के बाद पिगमेंट सिस्टम और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक्सन स्पेक्ट्रा, इसके अलावा क्वांटासोम वगैरह के कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट वीडियो में दिया था। सेकेंड वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड वीडियो, एंड इट इज स्टार्टेड विद द टॉपिक द डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज। इसमें पहला ही पॉइंट है कि इसको हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो देखिए, डार्क रिएक्शन के पीछे कहने के पीछे जो इनिशियली रीजन था कि द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, सो ऑटोमेटिकली इट इज कॉल्ड बाई द साइंटिस्ट एज ए डार्क रिएक्शन। अब प्रश्न है, क्या इज इट रियली डार्क रिएक्शन या इज इट हैपन्स इन द लाइट, इट कैन नॉट, इट क्या ये रात में नहीं हो सकता है, रात में ही होता है या दिन में नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर यह है कि इट डिपेंड्स अपॉन द लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। NADPH2 और ATP आर द लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। इफ दीज लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल देन दिस फेज में कंटिन्यू इन द डे ऑल्सो। कोई जरूरी नहीं है कि नाइट में ही हो। अगर सपोज नाइट में ही अगर लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं है तो उस समय नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर दिस फेज, बट द लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट इज वेरी नेसेसरी। यानी इनडायरेक्टली अगर कहा जाए कि इनडायरेक्टली दिस फेज इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन, लाइट लाइट के ऊपर डिपेंड करेंगे। इस फेज में रियली क्या होता है? इस फेज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका रिडक्शन होता है, और देयर आर थ्री पाथवे बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस। पहला है केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, दूसरा है हैच स्लैग साइकिल या C4 साइकिल, एंड द थर्ड वन इज द CM साइकिल। इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो क्लास 11th या नीट में भी क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। वो है कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर एंड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। तो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है RUBP यानी राइबुलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है? PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी तरह से अगर हैच एंड स्लैग साइकिल यानी C4 साइकिल में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर C3 से भिन्न होगा PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होगा? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके बाद से CM साइकिल, एक अनदर टाइप के CL साइकिल, CM साइकिल है जो मोस्टली जेरोफिटिक प्लांट्स में पाया जाता है, जहाँ पे डे में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो वहाँ पर डे में जो है एसिडिफिकेशन होगा यानी मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, एंड इन द नाइट मैलिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि CM साइकिल में फोटोसिंथेसिस नाइट में होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो नाइट में होता है। डे में स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के वहाँ तक उनको मिलने की, मतलब जो RUBP इसका भी जो है, ये RUBP कह रहे हैं, PEP जो है उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है, कैन नॉट रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड इन डे बिकॉज स्टोमेटा इज क्लोज। व्हेन इन नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल फॉर PEP, देन मैलिक एसिड इज फॉर्म, एंड
देन इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड। वैसे ये प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये इन्हीं दो पर हम लोग फोकस करेंगे आगे। पहला है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में चार मेन पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला कि इसको किसने दिया था, तो इट वाज गिवन बाय इनिशियली बेसिकली इट वाज गिवन बाय मेल्विन एंड केल्विन, बट सम अदर को वर्कर्स आर ऑल्सो डू ए लॉट फॉर द केल्विन। तो उसमें कौन कौन है, जेम्स बासम, ठीक है, एंड्रयू बेंसन, ये तीन साइंटिस्ट, यानी कि केल्विन, बासम एंड बेंसन ने 1950 में ये साइकिल दी थी। और इसमें जो टेक्निक का यूज किया गया उसका नाम था ऑटो रेडियोग्राफी। एंड जो आइसोटोप यूज किया गया ऑटो रेडियोग्राफी में, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया, दैट वाज सी कार्बन 14, एंड द प्लांट वाज ए ग्रीन एल्गी, ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी क्लोरेला। तो ये चार पॉइंट ऐसे हैं कि इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब दूसरी बात, इसको C3 साइकिल क्यों कहा जाता है? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड इज ए 3-कार्बन कंपाउंड। आप इस चैप्टर में देखेंगे कि जितने भी साइकिल हैं उनके जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन की संख्या के आधार पर उसको उस साइकिल नाम दिया गया है। जैसे C3 में PGA एक 3-कार्बन कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, सो इट इज कॉल्ड C3। C4 में OAA ऑक्सलोएस्टिक एसिड एक 4-कार्बन कंपाउंड है, इसलिए फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज ए 4-कार्बन कंपाउंड ऑक्सलोएस्टिक एसिड, इसलिए C4 साइकिल उसको हम कहते हैं। और C2 साइकिल जो फोटोरिस्पिरेशन है, उसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है 2-फास्फोग्लाइकोलिक एसिड है और उसमें 2 कार्बन है, इसलिए उसको C2 साइकिल कहा गया है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं केल्विन साइकिल के मेन फेजेस पे, मतलब हाउ केल्विन साइकिल रन। तो इसको हमने 3 स्टेज में बांटा गया है, कार्बोक्सिलेशन यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन विद एंजाइम रिडक्शन, इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा उसका रिडक्शन होता है, एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP। देन उसके बाद एक सीरीज आपके चेंजेस होते हैं और उसके बाद RUBP रिलीज होता है। RUBP का रिलीज होना बहुत जरूरी है ताकि फर्दर फोटोसिंथेसिस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टेंस जारी रहे और कंटिन्यू रहे प्रोसेस। अब आप देखिए, इसमें केल्विन साइकिल को इस चार्ट के द्वारा, एक सिंपल चार्ट के द्वारा हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और ये आपको बुक में भी यही चार्ट दिया हुआ है। हालांकि ये और भी डिटेल में चार्ट होता है, लेकिन उतना डिटेल अगर आपकी ज़रूरत होगी तो रिफ्रेशर या कहीं और से पढ़ लीजिएगा, या अगर हमसे आप पूछेंगे तो हम बाद में इसको डिटेल में भी बता सकते हैं। केल्विन साइकिल में स्टार्टिंग होती है RUBP में। RUBP ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कार्बन रिसेप्टर है C3 साइकिल में। RUBP यानी RUBP-15-20-फास्फेट, इसको हम लोग शॉर्ट में RUBP कहते हैं, 5-कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव्ड बाई RUBP एंड दिस प्रोसेस, यानी RUBP का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके और 3-PGA बनाना। हालांकि एक 6-कार्बन कंपाउंड बनता है जो अनस्टेबल होता है, वो 2 मॉलिक्यूल 3-PGA में टूट जाता है, यानी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बना, 3-PGA। और इसमें जो एक एंजाइम रोल प्ले करता है वह RUBP कार्बोक्सिलेज, इसको हम लोग शॉर्ट में रूबिस्को कहते हैं, रूबिस्को, एंड इट इज कंसिडर्ड एज ए बून फॉर द प्लांट, ठीक है। रूबिस्को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, रूबिस्को यानी एंजाइम है, एंड इट इसके रिजल्टेंट जो है क्या बना, 3-PGA बना। अब 3-PGA ATP से रिएक्ट करके, मैंने फास्फेट ग्रुप इसमें जुड़ जाता है जो ATP के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो वो फास्फेट ग्रुप इसके फर्स्ट ग्रुप पर जुड़ता है, फर्स्ट पोजिशन पर जुड़ता है, और इस वजह से इसका नाम हो जाता है 1,3-डाई-फास्फोग्लिसरिक एसिड, इट शुड बी डाई-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद से इसका रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन इज गिवन बाय NADH, इसको रिड्यूसिंग पावर हम कहते भी हैं। NADH प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड देन द 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, या बुक में 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड या डायरेक्ट आपको यहाँ पर ट्राइओड फास्फेट लिखा हुआ है। तो ट्राइओड फास्फेट का मतलब ग्लिसरल डिहाइड
फास्फेट या DHA डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये दो जो है कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड बनते हैं, एक ये एल्डिहाइड बनता है और एक कीटोन, और दोनों फिर चेंज हो जाते हैं टू मालिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड में। अब इस ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लूकोज मालिक्यूल फॉर्म हो जाता है, निकल जाता है, और रेस्ट जो ग्लिसरल्डिहाइड मालिक्यूल है वो एक सीरीज ऑफ केमिकल चेंज के थ्रू होते हुए दोबारा क्या बना देते हैं, RuBP बनाते हैं। क्या बनाते हैं? RuBP। अब RuBP ATP से रिएक्ट करके RuBP में मतलब राइबुलोज 5 फास्फेट होता है, और जब एक ATP फास्फेट ग्रुप पे कौन जुड़ जाता है तब इसका नाम हो जाता है RuBP। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग शॉर्ट और शॉर्ट करना चाहे तो इस स्टेज को हटा सकते हैं, इस स्टेज को हटा सकते हैं, और यहाँ पर हम राइबुलोज 5 फास्फेट लिख सकते हैं, तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। ये 3 फेज है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रिजनरेशन। तो दिस इज वेरी सिंपल फेज ऑफ द स्टेप्स ऑफ द केल्विन साइकिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो रिएक्शन, हमने केवल रिएक्शन के द्वारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फेज का नाम आपको मालूम है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अब कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, RuBP जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, इट विल रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGH फॉर्म। अब ये PGA का रिडक्शन होगा जिसमें NADPH जो रिड्यूसिंग पावर है, इट विल रिड्यूस PGA। तो ये आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, तो यहाँ पर 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब ये 3-फास्फोग्लिसरिक, इसके बाद की जो चेंज है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हमने सिंपली इसको ये दिखाया है कि 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ग्लूकोज बनाएगा एंड रेस्ट ऑफ द 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज यूज टू रीजनरेट RuBP फॉर द फर्दर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद से केल्विन साइकिल के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइकिल है वो हैच एंड स्लैग साइकिल। ये 2 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, हैच और स्लैग उन्होंने डिस्कवर किया था, और इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जैसा कि आपको बताया ऑक्जैलो एस्टिक एसिड होता है, दैट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड एंड सिट इज कॉल्ड C4 साइकिल। अब C4 साइकिल में मेन स्टेप्स क्या होते हैं, पहला पॉइंट देखिए, C4 साइकिल टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल एंड बंडल सीथ बोथ। ठीक है, और यहाँ पर मेसोफिल में क्या होता है कि स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल में इन होता है एंड मेसोफिल के सेल्स के अंदर जो PEP जो C4 प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, इट विल रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज यानी पेप्को, इसको हम लोग पेप्को शॉर्ट में बोल सकते हैं, एंड देन ए 4 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्जैलो एस्टिक एसिड इज फॉर्म। क्योंकि ये 4 कार्बन कंपाउंड है इसलिए इसको C4 साइकिल कहा जाता है, और यही फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। इसका रिडक्शन होता है देन मैलिक एसिड फॉर्म होती है, रिडक्शन में रिड्यूसिंग पावर विल प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड मैलिक एसिड इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल सीथ। अब बंडल सीथ में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, देखिए यहाँ पर रिडक्शन हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और पायरुविक एसिड फॉर्म हो गया, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड दिस कार्बन बंडल सीथ के अंदर दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन RuBP में बंडल सीथ में, बंडल सीथ में RuBP प्रेजेंट होता है, तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा एंड देन PGA बनाएगा और फिर रिजनरेशन C3 साइकिल चलेगी। अब प्रश्न है कि C3 साइकिल यहाँ क्यों नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पर RuBP होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो दो चीज़ें, दो खास पॉइंट क्या है कि ये मेसोफिल बंडल से दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें C3 के साथ कार C4 साइकिल में C3 साइकिल भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, तो एक बार आप बना के प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बीच में जो है डिफरेंस, C3 और C4 साइकिल में डिफरेंसेस क्या है। देखिए C3 साइकिल में जो इट टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल, यानी यहाँ केल्विन साइकिल की बात हो रही है, केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल, और C4 साइकिल जो है वो बंडल सीथ के अंदर, जो केल्विन साइकिल कहाँ होगा, बंडल सीथ में होगा, ये केल्विन साइकिल को लेकर डिफरेंस दिया गया है। अदरवाइज एक पॉइंट आपको बता दूं कि C3 साइकिल में मेसोफिल में होता है, C4 साइकिल में मेसोफिल के साथ बंडल सीथ दोनों इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिखा नहीं है लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि केल्विन, यहाँ पर आप पीट की जगह पर केल्विन साइकिल अगर ले ले तो क्लियरली आप क्लियर हो जाएगा, केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन मेजरफील्ड, हियर केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन द बंडल सिल। आर यू बी पी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है C3 में, आपको मालूम ही है। पी ई पी में कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर, C4 में पी ई पी यानी फास्फोइनोल पायरुवेट या फास्फोइनोल पायरुविक एसिड इज द कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर इन द C4 प्लांट। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड पीजी है, यहाँ पर ओ ए, यहाँ पर देखिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये जो C3 प्लांट में 20 to 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द C3 साइकिल, लेकिन C4 में यही रेंज 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी एट सम एक्सटेंट एट हाई टेम्परेचर C4 साइकिल विल रन बट C3 नॉट। ठीक है, एक और पॉइंट है जो C4 को बेटर बनाता है C3 से, वो है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन C3 साइकिल और इसकी वजह से बायोमास का लॉस होता है और फोटो रेस्पिरेशन C4 में एबसेंट होता है तो इसलिए उसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है। ठीक है, C4 सी ये सी फोटो रेस्पिरेशन के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि C3 प्लांट के अंदर क्रेन एनाटमी नहीं होती है और C4 प्लांट में क्रेन एनाटमी प्रेजेंट होती है। अब प्रश्न है कि क्रेन एनाटमी क्या है, इट इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। क्रेन एनाटमी में एक्चुअली क्या होता है कि देखिए आपको मालूम है कि C4 में मेसोफिल और बंडल सेल दोनों सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अलग होते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इसको हम कहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इज द फीचर ऑफ क्रेन एनाटमी। अब इसमें क्या होता है, जो मेसोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो है ग्रेना प्रेजेंट होता है, लेकिन बंडल शीथ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसी वजह से इस स्पेसिफिक एनाटॉमी को हम लोग क्रेन एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर C3 C4 प्लांट दिया है तो डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि जिसमें C3 साइकिल प्रेजेंट है उसको C3 प्लांट कहेंगे, जिसमें C4 साइकिल प्रेजेंट है उसको C4 प्लांट कहेंगे। कुछ और डिफरेंस देखते हैं, ये हमने वही चीज़ जो बताया और लिखा है कि दीज प्लांट हैव ओनली वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अच्छा, एक और मार्केबल डिफरेंस है जो C4 को C3 से बेहतर बनाता है, दैट इज कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट है यानी 25 to 100 μl है। ठीक है, और जो C4 में यही जो है -0 से 10 डिग्री, यानी अगर C3 साइकिल को फोटोसिंथेसिस करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 50 μl, मतलब ppm से ज़्यादा होना चाहिए अगर ppm के टर्म में कहें, और इसके लिए 10 डिग्री 10 ppm भी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड है तो PEP मोर सेंसिटिव होता है और वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर लेगा। इसके अलावा ये जो प्लांट दीज प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली लेस इफिशियंट और ये मोर इफिशियंट है। अब क्यों है, इसके लिए मैंने 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए, एक बार और बता दूं। एक तो C4 प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस एट लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, दूसरी चीज प्रेजेंस ऑफ क्रेन एनाटॉमी, तीसरी चीज अब्सेंस ऑफ C2 साइकिल यानी फोटो रिस्पिरेशन का एब्सेंट होना है, और चौथी चीज की जो PEP होता है इट इज मोर सेंसिटिव देन द C3, C3 का जो कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है उससे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और चौथी चीज़ आप देख सकते हो कि ये इसका जो ये हाई टेम्परेचर पर C3 साइकिल नहीं रन करेगा बल्कि C4 साइकिल 40 डिग्री सेल्सियस तक इफिशियंट वर्क इफेक्टिवली वर्क करेगा। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा एंड इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन, द डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद 2 पॉइंट और बच जा रहे हैं, एक पॉइंट है आपका C2 साइकिल यानी फोटोरेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट वन इज द फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसको हमने इसके साथ क्लब नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, मैंने क्लब किया था लेकिन तो फिर बाद में शॉर्ट किया।
आपके लिए सुविधाजनक हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।